सर माई सेल्फ सूर्यकांत हनुमंत देवकर एंड एज ए एक्टर ये मेरी पहली फिल्म है सूर्य और मेरे से अधूरा मिलन, जिसमें मैंने और हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है। एक मिस्टीरियस लव स्टोरी है जिसमें आपको एक शॉर्ट सी लव स्टोरी देखने को मिलेगा और आपको बहुत एंटरटेन करेगा ये फिल्म और आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। बहुत इट्स अ वेरी क्लीन एंड ऑल द फैमिली कैन वॉच टुगेदर एंड इट्स अ क्लीन हॉरर फिल्म। हॉरर मतलब लोग एकदम से ही आपको डराना नहीं चाहते, इट्स काइंड ऑफ अ मिस्ट्री, लव स्टोरी के साथ मिस्ट्री दिखाई। सबसे पहले अपना परिचय दे और अपने किरदार के। माय नेम इज रिद्धि सागर घोटके, आई एम फ्रॉम नासिक, और जैसे कि सूर्या ने बताया कि ये लव स्टोरी है और इसमें हम लोग ने किसी को डराना नहीं चाहा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। आई होप यू विल एंजॉय। कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे शूट के दौरान और इस कहानी को लेके, कितनी दिलचस्पी आपको है और दिस इज माय फर्स्ट मूवी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट, और बहुत मज़ा आया शूट के वक्त, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, हार्ड वर्क भी उतना ही किया, आई होप यू लाइक इट। जब भूत प्रेत की बात करते मान लो आप नहीं सर, नहीं सर, इसमें भूत प्रेत का कोई विषय नहीं है, इसमें ऐसा दिखाया गया है जो आत्मा रहती है। मैं गुंडापा सुरेश देवकर, हाँ, ये फिल्म बनाने में मेरे को काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ा है मेरे टीम के साथ में। मैंने 30 दिन तक दिन रात पूरा ये शूट करने में लगा 30 दिन तक। हमारी पूरी टीम साथ में और सब दिन रात साथ में शूटिंग की है और बाहर उधर नासिक में कम से कम हमने 25 किलोमीटर के आसपास पूरा शूट किया हुआ है। अभी सुबह नहीं, नामी चेहरा कोई भी नहीं है, मैंने ऐसा सोचा है नए कलाकार के लिए को एक प्लेटफॉर्म तैयार करे और लोगों ने इसको काफ़ी सारा मतलब अभी तक तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, तो इसके आगे भी पब्लिक बहुत सारा इनको प्यार देंगी हमारे को विश्वास है। हेलो, मैं राजू संसार इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। सूर्या और मेहरुनिसा का अधूरा मिलन, ये एक साफ सुथरी प्रेम कहानी है, एक मिस्टीरियस लव स्टोरी है जिसमें आपको दहशत का अनुभव भी होगा, लेकिन जैसा हम एज यूजुअल फिल्मों में देखते हैं उससे बहुत ही हटके, बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही क्लीन वातावरण, एक अलग तरह का माहौल आप लोगों को दिखाई देगा जिसमें हंसी मजाक, यारी दोस्ती और हर तरह के रंग आपको जो मनोरंजन के होते हैं वो आपको अनुभव करने को मिलेंगे इस फिल्म में। अपने एक्टर एक्ट्रेस के बताते हैं कि क्या क्वालिटी नजर आई आपको आपके एक्टर में और एक्ट्रेस में, क्या खास बात, कितना सहयोग किया शूटिंग के दौरान आपके एक्टर ने और एक्ट्रेस ने? मेरे एक्टर और एक्ट्रेसेस इन सब की भी ये पहली फिल्म थी, जैसे कि मेरी पहली फिल्म है, और इसमें इन लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर को इतना एक तरह से जी लिया है, जीवंत किया उसको, अपने कैरेक्टर्स को खड़ा करने के लिए, जिंदा करने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की है। जब से जिसको मैंने बताया कि ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तब तक उसने कोशिश की कि मैं इसी कैरेक्टर में ढला रहूँ, और हर जो एक्टर एक्ट्रेस है उन्होंने यही कोशिश की कि हम अपने किरदार को सही तरीके से निभाए। उससे पहले, जैसे कि शूट से पहले, हमने 2 महीने तक इस जो कहानी है उस पर एक वर्कशॉप किया था जिसमें इन सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी हार्ड वर्क किया। कई लोगों के, अभी ज़्यादातर लोग महाराष्ट्रियन होने की वजह से उनके टोन में फ़र्क होता है, लेकिन हर किसी ने अपने टोन में, अपने बिहेव में, अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से चेंजेस किए और बहुत ही हार्ड वर्क किया, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरी पहली टीम, मेरी पहली फिल्म की टीम मुझे बहुत अच्छी मिली और बहुत अच्छे लोग और भी कलाकार। जी हाँ, कहानी अभी ऐसा को ज़्यादा एक रिस्पेक्ट देता है तांत्रिक के हिसाब से, वो कोई जंग जीतता है उस टाइम वो अपना तांत्रिक आता है, उससे वो कुछ मांगता है, तो वो नवाब रहता है, नवाब के पास वो मांगता है, बोले मैं आपका काम कर दूंगा, जो मैं मांगूंगा आप मेरे को देंगे क्या, तो उसके हिसाब से वो मूवी का स्टोरी शुरू होता है। तो आपका भी पर्सनालिटी एक्टर की तरह लगता है, तो आपने कोशिश नहीं की इस फिल्म में एक्टिंग करने की? नहीं, वो तो क्या, नए लड़के को चांस देना चाहते थे हम लोग, इसलिए मैंने क्या, मेरे जैसे खुद पे नहीं लिया है, तो नए कलाकार को मैंने प्लेटफॉर्म दिया है। अच्छा, आप
जो आज के दौर में है, क्या कहना चाहेंगे? प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को जान लगाना चाहिए, एक दूसरे का केयरिंग करना चाहिए, फिर वो एक दूसरे को संभालना चाहिए, लव और वो अच्छा जान नहीं देना चाहिए। जान देगा बहुत बहुत शर्मा शर्मा के बोल रहे, क्या बात है, कैसे किया होगा, गाने कैसे किए होंगे, रोमांस कैसे किया होगा? शुरुआत में शर्मीले काफी हैं आप, थोड़ा सा शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, पर जब राजू सर जी ने मुझे अच्छी तरीके से समझाया सिखाया तो फिर उसके बाद मुझसे आसानी से हो जाता, और जब माहौल बन जाता तो फिर सब कुछ आसानी से हो जाता। जैसे सूर्याना का हम लोग एनवायरमेंट क्रिएट करते थे, फॉर एग्जांपल अभी सॉन्ग का जो था, हमें पूरा रोमांटिक सॉन्ग, पूरा रोमांटिक मूड में जाना था, तो वो एनवायरमेंट भी पूरा मौसम बारिश का था, वो तो वो वैसा एनवायरमेंट भी बन गया था और हम लोग वो फील भी कर रहे थे। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट कौन है तैयार करने और भी कलाकार पीछे क्या करते हैं आप लोगों का कैसा अनुभव है इस फिल्म को लेकर, आप बताइए क्या संभव आगे आगे मेहनत की है इस फिल्म के लिए। मेरा नाम आरती पाटिल है और हमने बहुत एंजॉय की है फिल्म और बहुत मेहनत भी की है इस फिल्म के लिए। और मेरा नाम इस फिल्म मतलब मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में अंजलि नाम का है। पहली फिल्म में आपकी है? यस, मेरी पहली फिल्म है ये। अच्छा। और मैंने बहुत मेहनत की है और आई होप आप एंजॉय करेंगे मेरा कैरेक्टर और हमारी इस फिल्म। आप लोग भी अपना परिचय दे बताइए, कैसे कितना उत्साहित है इस फिल्म को लेकर? जॉनी है, मैं हीरो का दोस्त हूँ इसमें और मैंने क्रिश्चियन का रोल प्ले किया है। सर आप बताइए। मैं सुनील पाटिल, इस फिल्म में मैं जोगिंदर सिंह का किरदार कर रहा हूँ। ये सब राजू सर और अप्पा, हम इनसे प्यार से अप्पा बुलाते हैं, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ इस फिल्म में करने के लिए। दोनों ने बहुत मुझे हेल्प की, इसलिए थैंक यू इन दोनों का। आज दोनों के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, राजू सर और अप्पा जी को। थैंक यू एवरीवन। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke sath apne aap chalti hai, aur hum kya roshni dalenge uske upar. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions.